सीतापुर। बेरोजगारों को मिले रोजगार, किसानों की समस्याओं का हो समाधान। सीतापुर के गरीब लोग अपने जिले से बाहर मजदूरी करने ना जाएं, उनको अपने जिले में ही मिले रोजगार, यही हमारा उद्देश्य है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा गरीब किसानों की समस्याओं को देखते व उनका निराकरण करते चले आए हैं, आगे भी करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार, यही हमारे हैं मुख्य आधार। ये बात कही थी मीडिया से रूबरू होते हुए विजय कुमार मिश्रा ने, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सीतापुर से सांसद प्रत्याशी हैं और समाज सेवी भी हैं। उनका कहना है कि दसियों साल से ज्यादा हम लगातार समाज सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। चुनाव अपनी जगह पर है, जितना संभव हो सकेगा मैं जीतूंगा या हारूंगा, किसान व गरीब जनता की सेवा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी, किसान की समस्या, उचित व्यवस्थाओं को देखते हुए हैंडपंप लगवाना, सर्दी के मौसम में कंबल रजाई गरीबों को वितरण करना, ये सेवा हम सालों से करते चले आ रहे हैं और ये करते भी रहेंगे। आज सीतापुर की जनता बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है और रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। अगर हम चुनकर आते हैं तो जनता हमें संसद बनाती है, तो हम उद्योगपति हैं, हमारे बिजनेस हैं, हमारे उद्योग हैं, हम अपने क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगवाएंगे, हमसे जो भी हो सकेगा सहयोग करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि सीतापुर का गरीब व्यक्ति बाहर मजदूरी करने ना जाए, जिसको सीतापुर में ही रोजगार मिलना चाहिए उसको सीतापुर में ही रोजगार मिले, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर हम चुन करके आते हैं तो हम, हमारा बिजनेस है, हम उद्योगपति हैं, हम अपने क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगाएंगे, जो भी हमसे हो सकेगा हम उद्योग लगाएंगे। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे सीतापुर का गरीब व्यक्ति बाहर मजदूरी करने न जाए, उसको अपने सीतापुर में उसको रोजगार मिलना चाहिए। हमारे चुनाव का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे माननीय शिवपाल जी ने जो रखा है शुरू से, आज से नहीं, वो शुरू से हमेशा रहे कि गरीबों का उद्धार, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को सबसे ज्यादा उन्होंने सर्वोपर किया कि किसानों को हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, ये हमारा जो है पार्टी का उद्देश्य है। अब आपके अगर जीत के आते हैं तो जनता के लिए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले जीत के आने की तो बात की है, ये सभी लोग जानते हैं कि हम एक समाज सेवी हैं, और आज से नहीं, जब से हम जानने वाले हुए हैं और जब से ऊपर वाले ने हमको संपन्न किया है, तब से हम गरीब लड़कियों की शादी, या कि बीमार है, या किसी के पास नल नहीं है, किसी के पास रजाई गद्दा नहीं है, ये हम हमेशा करते, आज से नहीं 9-10 साल से करते आ रहा हूँ। और हमारा उद्देश्य है, अगर मैं जीत के आता हूँ, मैं तो इंडिया का तो ठेका नहीं है, लेकिन मैं अपने जिले को उन बुलंद स्थितियों पे पहुंचाऊंगा कि लोग देखते रह जाएं कि कोई सांसद हुआ है। हम मिनरल वाटर प्लांट अपने गांव में लगाने जा रहे हैं, मेरा परमिशन पूरा हो गया है, और कमलापुर शुगर फैक्ट्री के लिए हमने टेंडर डाला है, वो भी उसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि वो जो जिन्होंने लिया है वो उसको कटवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसको चलाना चाह रहे हैं। हम और हमने लैंड ली है आपके रोसा और चौथा विधानसभा में, वहां भी हम फैक्ट्री डाला, अगर हम कामयाब हो गए तो वहां भी गन्ना फैक्ट्री डालेंगे। कहने और करने में अंतर होता, कहता सब लोग कि हम करेंगे लेकिन करता कोई नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं, और जो भी आज तक सांसद या MLA आया तो सबने अपना कहां से आया ये मीडिया भी जानता है, हमारा वोटर भी जानता है, हमारा किसान भी जानता है, हमारा नवयुवक भी जानता है कि कहां से आया और आज कहां किस बुलंदियों में पहुंच गए, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। आज हमारा सीतापुर जिला शिक्षा में सबसे पीछे है, स्वास्थ्य में सबसे पीछे है, क्या मिला हमारे युवाओं को, हमारे वोटरों को, हमारे सीतापुर के जो नागरिक हैं, जो हमारे लोकसभा के लोग हैं, उनको क्या मिला? किसी ने आश्वासन तो सबने दिया लेकिन कुछ किया नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं आऊं तो ठीक है लोकसभा में, नहीं आऊं तब भी मैं जितना सक्षम हूं मैं करता आ रहा हूं और करता रहूंगा लोगों के लिए, ये हमारा उद्देश्य।